नेमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, उनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगण में सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक ऋषि। तो हम सभी ऋषियों को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। तो महाराज, यहां पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समा प्रभा, सूथाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन आप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए, कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? इस समय तो वो ऐसा होगा, कई दुखों से ग्रसित होगा, रोगों से पीड़ित होगा, संसार में पूरी तरीके से लिप्त होगा। ऐसे में उसका कल्याण कैसे हो? सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णाश हे तवे, श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। अर्थ, काल व्याल मुख ग्रास, काल माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। मृत्यु एक सर्प की तरह है, सांप की तरह, जो सबको अपना भोजन बनाते हुए, यानी सबकी आयु निश्चित है, छोटी सी उम्र मिली है, इसी में सब कुछ करना है, अपनी भी इच्छाएं पूरी करनी है और कल्याण भी करना है। तो सबकी आयु निश्चित है, ऐसे में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। कैसे? इसमें जो लीलाएं बताई गई है, उसका जो सार निकलता है, उसको अपने जीवन में उतारना है सबको। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि 7 दिन की कथा में बहुत से सार बताए जाते हैं, सब अपने जीवन में उतारना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर एक वचन आप खुद से ले कि मैं जीवन में जितनी बार भी कोई भी कथा सुनूंगा या सुनूंगी, उस कथा से कोई भी एक अच्छी बात, सिर्फ एक, अपने जीवन में उतारेंगे, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, और जो सबसे आपको अच्छी लगे, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आने लगेगा। लेकिन वो अच्छी बात किसी अच्छे इंसान की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरी कथा में आपको कंस की बात ही अच्छी लग गई तो फिर वो जीवन में अलग ही बदलाव आ जाएगा। तो माने अच्छी, माने सच में अच्छी बात, जीवन में उतारने लायक बात। तो महाराज, अब यहां पर सूत जी कहते हैं कि इस जीवन में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा।